बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले जी आपको जुम्मा मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये प्रिंट जो आपको नज़र आ रही है, आपका जाना पहचाना होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने जो है वो इसका गला और पॉकेट की जो स्टिचिंग, कटिंग स्टिचिंग है, वो मैंने शेयर की है। बाकी डिज़ाइनिंग के लिए मैंने फिर वीडियो बनाई है। तो इस सूट की तो मैंने जो है उम्मीद ही छोड़ दी थी कि इसकी वीडियो भी मैं लगाऊंगी, क्योंकि इसकी जो है वो एक आस्तीन खो गई थी, जिसको ढूंढने मैंने ही जो है वो यहाँ रख दी थी। और इसको पूरा दिन मैंने ढूंढा, फिर आखिरकार जो है ना वो मिल गई। तो आस्तीन लगा के फिर आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसकी डिटेल्स। ये एक बहुत ही खूबसूरत कुर्ती का डिज़ाइन जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ये डिज़ाइन आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ये इसका जो है वो कुछ लुक है कंप्लीट कुर्ती का, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसकी डिटेलिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका गला दिखा देती हूँ। गला मैंने कुछ इस टाइप का बनाया है, नीचे ये जो है वो बटन फिटी है और ऊपर मैंने इसकी इस तरह से डिज़ाइन बना रही है, ये गोल गोल शेप में, ये आप देख सकते हैं। इस गले की कटिंग स्टिचिंग वीडियो जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। तो यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इसके पॉकेट की तरफ। तो पॉकेट का डिज़ाइन भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये देखें जी कुछ इस तरह से इसका पॉकेट है। ये जो पट्टी मैंने लगाई है, ये मैंने जो है वो स्टिचिंग कर सिलाई लगा के, इसका भी मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है ना वो शेयर कर दिया है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ऐसे इसके अपोजिट साइड पे मैंने पॉकेट नहीं लगाया, मैंने इस तरह से ये तीन पट्टियाँ लगा ली हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये जो है वो मैंने जंजीरी टांके से अपना नाम लिखा है, और इसी तरह तीनों को जो है वो मैंने अलग अलग स्टाइल में जब सिलाइयाँ लगा कर इसको, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा जी, तो ये अब आते हैं इसके दामन पर। दामन पर मैंने जो है वो इस तरह से तीन चार जो है वो मैंने टक्स बना ले हैं इस तरह से, फिर नीचे मैंने ये वाली लेस लगाई है इसकी, इसके नीचे मैंने जो है वो एक पिन टक्स लगाया है, फिर दो सिलाइयाँ लगाई हैं और फिर से एक पिन टक्स लगाया है। इसके बाद नीचे मैंने फिर से वही लेस लगा ली है। तो ये दामन का लुक भी बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। चाक मैंने जो है वो इसके छोटे रखे हैं, ये देखें। और ये इसका जो बैक है वो मैंने लॉन्ग रखा है, फ्रंट जो है वो इसका शॉर्ट है। ये इसका बैक और ये इसका फ्रंट, ये आप देखें। और चौक पर मैंने जो है वो इस तरह से ये पाइपिंग लगा ली है। इसका ट्यूटोरियल मैं शॉर्ट्स वीडियो में शेयर करूंगी, तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस भी देखा करें। ये देखिए जी, पाइपिंग से एक कमीज में आपकी जो है ना वो लुक आ जाता है। अच्छा, तो ये अब आते हैं हम इसकी आस्तीन की तरफ। ऊपर मैंने ये जो है ना लेस लगाई है, ये लेस मेरे पास पड़ी हुई थी, तो ये इतनी बड़ी लेस है, तो मैंने जो है ना उसका ये इतना सा पार्ट्स निकाल लिए, दो पार्ट्स निकाल लिए और आस्तीनों में लगा लिए इस तरह से। ऊपर आर्म होल की साइड पे मैंने ये लगाया है, और नीचे जो है वो मैंने इस तरह से ये छोटी छोटी प्लेट्स बना ली हैं। तो ये आस्तीन का एक खूबसूरत सा लुक है, आप ज़रूर ट्राई करना, ये लुक बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से पफी भी बन जाती हैं और आपके जो है वो आस्तीन में एक लुक आ जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको रख दिया है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो ये थी इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी दूसरी आस्तीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो ये मैंने हैंग करके आपको इसका लुक दिखाया है।
ये देख सकते हैं आप, ये जो हम फ्रंट शॉट और है ना बैक हम जब लॉन्ग रखते हैं ना, तो इसका ये जो लुक आता है ना ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और पाइपिंग जो है ना उसको मज़ीद खूबसूरत बना लेती है अगर आप चोरी पाइपिंग लगाएं तो। ये कॉटन का कपड़ा है, विंटर के हिसाब से मैंने फिर इस पर ये डिज़ाइनिंग की है। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया होगा, बल्कि ज़रूर पसंद आएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं तो मुझे मेरे साथ पिक ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डिज़ाइंस के साथ इंशाल्लाह। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैंने बहुत मेहनत से ये डिज़ाइन बनाया है, कमेंट्स ज़रूर करना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए लाती रहूं, मज़ीद डिज़ाइनिंग आपके साथ इसी तरह शेयर करती रहूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।